आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उस हिंदुस्तान में अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं यहां पर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। ये वो हिंदुस्तान, आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति बनता है, आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान अलग था, ये वो हिंदुस्तान, मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ यहाँ मुसलमानों को डराया जैसे। पर हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट रहे, फखरुद्दीन अहमद प्रेसिडेंट रहे, आप खुद सोचिए इस देश के बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहे, बड़े बड़े पदों पर मुसलमान रहे, आज तक किसने सवाल खड़े करे? बड़ा पद सर, सुनिए सर एक मिनट जी, बहुत बड़ा पद, बहुत काबिल एहतराम लोग पहुंचे, तो राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा पद है, मैं तो बहुत छोटे पद की बात कर रहा हूं। गवर्नर रहे, राष्ट्रपति रहे, तो बहुत छोटे पद की बात कर रहा हूं, डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम राष्ट्रपति से बहुत नीचे का है, क्या लड़ाई है? जब आप राष्ट्रपति बना सकते हैं तो बनाइए। एक सेकंड, मैं इस पे एमएस खान का भी रिएक्शन चाहूंगा जी। जवाब जवाब देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर आप बनाएंगे, रजमान जी नहीं, आप बनाएंगे मुसलमान को इनका, चलिए आपने राष्ट्रपति नहीं, आप बनाएंगे मुसलमान, आप बनाएंगे मुसलमान, ये निजी स्वार्थ, आप बनाएंगे मुसलमान क्योंकि ये कंडीशन, आप बनाएंगे मुसलमान इन्हें देश और, आप बनाएंगे मुसलमान नहीं है सर, बीजेपी की डिमांड कर रहा हूँ यहाँ की सुरक्षा से, मैं बीजेपी की डिमांड कर रहा हूँ, आप बनाएंगे मुसलमान पर बेस्ड है, ये हिंदुस्तान पर बेस्ड राजनीति नहीं करते, ये मैं बता दूं आपको, ये हिंदुस्तान पर बेस होकर राजनीति नहीं करते, ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति, पेट्रोल के पैसे कहां, नहीं मैं पेट्रोल के पैसे कहां कम करने कह रहा हूं, एमएच खान, मैं पेट्रोल के पैसे हिंदुस्तान कम करने कह रहा हूं। अनुराग, अनुराग, क्या जो ओवैसी साहब की पार्टी बात कर रही है, क्या आपको लगता है वो बंटवारे की राजनीति नहीं है? देखिए, हमने पहले बोला, आप सहमत है उस पॉलिटिक्स से? हमने आपसे पहले बोला कि हम लोग लोकतंत्र में संविधान में विश्वास करने वाले लोग, उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं हम 81% हैं, वो 19% हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और मैं तो राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ, सुनिए देख, संवैधानिक पद पे बैठे हैं आप, संवैधानिक पद पे आप धर्म के नाम पे आप बांटने की कोशिश मत कीजिए, और आपकी इंटरव्यू की बात है मैं पूरा सुन रहा था उसको, उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, ये हमें तो दर्द हुआ ही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान को हुआ होगा, आपकी नजर में सब बराबर हैं, चाहे दलित हो, चाहे नहीं, उन्होंने तो ये भी बोला कि कुछ लोग मिशन मोड पे जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, ये आप इस तरह का राजनीति जाति धर्म की राजनीति नहीं कर सकते। फिर असीम वकार अनुराग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी, पर योगी जी ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा कि कुछ लोग मिशन मोड पे जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, उन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर नहीं बोला, देश को आगे बढ़ाया, नहीं बोला, और आदरणीय योगी जी ने 17% किसी ने यह बात कही कि हम 19% की बात करते हैं तो क्या 81% को हम छोड़ देंगे? हम बहुसंख्यकों को छोड़कर खाली अल्पसंख्यक की राजनीति करेंगे? हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं? हम नहीं, आपने कहा असी वकार कुछ कह रहे थे, आपको जवाब दिया है, और आदरणीय योगी जी ने जो बात कही है वो आपको जवाब मिला है, आपको जवाब मिला है, आपको जवाब इसलिए मिला है क्योंकि सवाल करिएगा जवाब मिलेगा, जैसा आप सवाल करेंगे वैसा जवाब मिलेगा, हम जवाब देने में पीछे नहीं, उन्होंने गलत सवाल पूछ लिया, मैंने पत्रकार ही दोषी हो गया, और आपके जवाब में अच्छा मैंने पत्रकार दोषी है, मेरा निवेदन है, असीम वकार की बात आ रही थी, मैं बस समय, असीम वकार क्या आप कहना चाह रहे थे, आप अनुराग को कुछ कहना भी चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे उस टाइम? देखिए, अनुराग जी ने ये बात कही कि अगर क्षमता है तो उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा। मैं अनुराग जी से बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूं कि कल अखिलेश जी से डिस्कशन कीजिए, बात कीजिए, और उनसे बताइए कि आज तक 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी, इधर हमारी बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान 20% था उसमें बिल्कुल क्षमता नहीं है, मुसलमान की क्षमता के बिना आप मुख्यमंत्री बन गए? देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमारी क्षमता थी, हमारी क्षमता की वजह से आप मुख्यमंत्री बने, तो हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, मेरा सवाल यह है, उसका जवाब सुनिए सर, एक सवाल और, सबकी अपनी बात सही है, मैं किसी की बात को नहीं काट रहा, इन्हीं ने कहा कि नसीमुद्दीन पास 32 विभाग थे, वो बोले आजम खान साहब बहुत पावरफुल थे, कोई बोल रहा गुलाम नबी आजाद बहुत पावरफुल है, तो मेरा कहना यह है कि नसीमुद्दीन को मुख्यमंत्री बना देते, 32 विभाग मायावती जी ले लेती, आजम खान साहब बहुत पावर थे, सारे पावर आजम खान के, अखिलेश यादव जी ले लेते और आजम खान साहब को मुख्यमंत्री बना देते,
गुलाम नबी आजाद साहब को प्रधानमंत्री बना देते, सारे पावर उनके ले लेते, लेकिन नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए है। मैंने एक जायज मांग उठाई है, आप यहाँ बैठकर मेरा विरोध करिए, खूब करिए, सड़क पर करिए, मुझे गाली बकिए, मुझे बुरा कहिए, मुझ पर हंसिए, नहीं नहीं मुझ पर हंसिए, जो दिल चाहे कीजिए, लेकिन ये आवाज गली गली से उठेगी, गली गली से उठेगी और सबकी कोठियों में पहुंचेगी, हर के घर में पहुंचेगी। अखिलेश जी के घर के आगे भी लगेगी, योगी जी के घर के आगे भी लगेगी, बहन जी के घर के आगे भी लगेगी और प्रियंका जी के घर के आगे भी लगेगी कि मुख्यमंत्री मुसलमान या डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं हो सकता। क्या क्या नाजायज मैंने सवाल पूछा? अभी वकार साहब ने कहा, एक एक करके पहले अवेज खान, फिर वकार साहब ने कहा कि बहन जी ने और नसीमुद्दीन को कहा, आप बताइए नसीमुद्दीन सेकंड नंबर पर नहीं थे? वो कह रहे कि मुख्यमंत्री होना जाना चाहिए। नसीमुद्दीन क्या मतलब है? मुख्यमंत्री बाप विभाग उनके पास सब था। सवाल इस बात का है, वो कह रहे हैं कि उनका सवाल आपने नहीं सवाल ने बोला कि उनका सवाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सारी ताकत मायावती जी ले ले। नेता कौन था? नेता कौन था? नेता तो बहन कुमारी मायावती जी है। लाठियां डंडा वो डीएम समीकरण क्या था? दलित मुसलमान समीकरण क्या था? दलित मुसलमान समीकरण डीएम समीकरण नहीं नहीं समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण नहीं नहीं गलत बात है। सर्वजन सुखा है, सब बीएसपी का नारा है, सबजन हिताय सबजन सुखाय, जवाब दे रहे हैं, सबजन हिताय सबजन सुखाय। देखिए जितना विरोध करना हो, चाहे बीजेपी करे, चाहे सपा करे, कांग्रेस करे, नहीं बहुजन करे, जिसका विरोध जितना करना हो मुझसे करे। मैं सड़क पर उतरूंगा, अपने लोगों के बीच जाऊंगा, हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा कि क्या आपको अपनी कौम का डिप्टी सीएम चाहिए। वो कह रहे हैं आपके पास है क्या? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग हैं, ख्वाब है। मैं ख्वाब देखता हूं, अपने लोगों को दिखा रहा हूं कि तुम भी बन सकते हो। इनको लगता है कि इनकी कौम नहीं बन सकती, इससे नहीं लगता आपको डिवाइड ज्यादा क्रिएट होगा कंट्री? इनको लगता है इनकी कौम नहीं बन सकती और मुझे लगता है मेरी कौम बन सकती। इनके ख्वाब अलग है, मेरे ख्वाब अलग है, यही तुष्टिकरण की राजनीति है, यही संप्रदायवाद की राजनीति है। इससे कभी देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का भला नहीं हो सकता। इसीलिए मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को। एमएच खान, अब 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। अनुराग भदौरिया से भी काफी गंभीर सवाल पूछे गए, लेट हिम आंसर। 10-15 मैं कह रहा हूं, वसीम साहब आपने डिमांड कर रहे हैं, इतना पूछिए। नहीं नहीं, अनुराग जी से सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि मेरी मांग गलत कर रहा हमारी हो रही, रुक जाइए। नहीं, मेरी मांग गलत का, ठीक है? एक सेकंड अनुराग, अनुराग क्या इनकी डिमांड गलत है? देखिए मैं सीधी सी बात करता, आप इनकी डिमांड के साथ है? मेरी बात सुनिए, मैं समाज की बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी तो ये भी समाज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे पार्टी के किसी का जवाब दे नहीं हूँ, मैं जनता का जवाब दे हूँ भाई। कोई पार्टी मुझसे सवाल पूछेगी, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। 6%, 7%, 12% वाले बन सकते हैं, हम 20% वाले लोग हैं। अगर हम बात करते तो हमसे कहा मुंगेरी लाल के अच्छे। अच्छा मैं अपनी बात पूरी, मतलब अगर 20% वाला कहे कि हम भी चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं, हम मुंगेरी लाल, हमारा मजाक उड़ाया जाए, अपनी बात कह लो, हमारी कौन का मजाक उड़ाया जाएगा, हमारी बात का मजाक उड़ाया जाएगा, हम मुंगेरी लाल हैं। अगर हम आपको बना रहे हैं, हमारे वोट से आप बन रहे हैं, तो आप मुंगेरी लाल नहीं है। अच्छा, इसी मुंगेरी लाल का वोट लेकर आप सरकार में आ रहे हैं, इसी मुंगेरी लाल का वोट लेकर 4 बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो हम मुंगेरी लाल नहीं है। अच्छा, और अगर हम अपनी बात करते हैं तो मुंगेरी लाल, अपनी बात कर लो, मुसलमान मुंगेरी लाल है। अरे नहीं, मुसलमान मुंगेरी लाल है आपकी नजर में। पता नहीं क्या है भाई साहब बोलते हो, किसने बोला जबरदस्ती यहाँ पॉइंट बनाने आए हो क्या, कि डिबेट करने आए हो? किसने बोला मुंगेरी लाल? मैंने बोला क्या जबरदस्ती आए भाई साहब? आप जवाब दीजिए फिर। हाँ तो फिर आए भाई साहब मत बोलिए, मैंने जिसने बोला उससे पूछिए। आप यहाँ पे इस तरह का एक्टिंग मत कीजिए कि यहाँ थिएटर थोड़ी चल रहा है, कि आप थिएटर बनने गए यहाँ पे, कि थिएटर आर्टिस्ट हो गए आपको लगता है थिएटर चल रहा है? आप थिएटर ही वाला काम कर रहे हो, थिएटर चल रहा है? अरे मैंने बोला ही नहीं, हमसे बोला मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल, अरे काहे को एक्टिंग कर रहे हो? आप बोलिए, मैंने बोला नहीं।